हेलो दोस्तों, यार कैसे आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच, काफी अच्छा रिस्पांस आप सभी ने दिया है। काफी वीडियोस पर आपका सपोर्ट काफी मिल रहा है और इस वीडियो पर काफी डिमांड थी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर में वारंटी मिलने वाले टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में वीडियो बनाओ। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे मेन जो कॉम्पोनेंट होता है वो होता है बैटरी, जो कि आपको आगे जाकर चेंज करना पड़ सकता है। बड़ा मेंटेनेंस जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर में यही होता है। तो चलिए इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, टॉप 5 हायर बैटरी वारंटी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जो कि इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इंडिया में अभी अवेलेबल है एंड एक दो इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले 5 नंबर पर है ओला इलेक्ट्रिक। गाइस, ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो 8 साल की वारंटी देता है बैटरी में या 80,000 किलोमीटर की वारंटी, जो कि इंडियन मार्केट में कोई भी ब्रांड नहीं देता, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बाद ही इतनी वारंटी मिलती है। एंड अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो अंडर 1 लाख रुपए से ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल हो जाती है। एंड अभी जो है ओला S1X जो है 70,000 रुपए प्राइसिंग गाइस रखी है, जो कि 1,30,000 तक जाता है। मतलब आपको ऑप्शन काफी मिलेंगे। अगर आपका बजट कम है तो भी आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो। अगर आपका बजट ज्यादा है, ज्यादा रेंज चाहिए, तो आप ओला S1 Pro Gen 2 भी ले सकते हो। एंड गाइज, अप्रैल महीने में सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड ने अपने प्राइसिंग बढ़ाई है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक ने अभी तक प्राइस नहीं बढ़ाई है। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करते हैं, एथर की तरफ से रिस्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हाल ही में लॉन्च हो चुकी है, जो कि आप सभी को पता ही है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से, बाय डिफॉल्ट कम है 3 साल की, बट आप एक्सटेंडेड करके 5 साल या 60,000 किलोमीटर तक वारंटी ले सकते हो, जो कि आपको प्रो पैक लेने के बाद मिलने वाली है। प्रो पैक मतलब आपको उसमें फीचर्स भी मिलेंगे एंड फ्री में आपको एक्सटेंडेड करके वारंटी भी देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले मेरे हिसाब से एथर का रिस्टा यस मॉडल वैल्यू फॉर मनी है 1,10,000 रुपीज में, प्लस आपको प्रो पैक में और भी फीचर्स मिलते हैं, 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगी एंड 100 किलोमीटर तक आपको रेंज तो मिलने ही मिलने वाली है। नया लुक है, काफी स्टाइलिश है और ऑलरेडी हमने इस पर काफी वीडियोस भी बनाई है। एंड अगर आपका थोड़ा बजट ज्यादा है तो एथर रिस्टा का ऊपर वाला मॉडल ले सकते हैं, जिसमें 160 किलोमीटर की IDC रेंज देखने को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाता है, 3 नंबर पर है हीरो मोटरकॉर्प की तरफ से विड्डा। इसमें आपको 5 साल की वारंटी या 60,000 किलोमीटर तक की वारंटी देखने को मिल जाती है। ट्रस्टेड कंपनी है, काफी दिन से जो है ब्रांड इंडियन मार्केट में चल रहा है, तो हीरो मोटरकॉर्प का ट्रस्ट भी है। रेंज की बात करें, 100 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक आपको रियल रेंज देखने को मिलने वाली है। स्पीड की बात करें तो 80 km/h का स्पीड मिलेगा। एंड प्राइसिंग की बात करें तो हीरो मोटरकॉर्प की विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो प्लस वाला मॉडल आता है, जिसकी प्राइसिंग काफी कम है, को 1,20,000 तक जो है एक्सशोरूम प्राइस में जाता है, लेकिन अच्छे कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करें तो 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड है, जो कि अपकमिंग में है, लेकिन इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा वारंटी देने वाले हैं, जो कि ओला को भी टक्कर दे सकते हैं। नंबर 2 पर है गोगोरो इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों, आप सभी को ये पता ही होगा कि ये कंपनी जो है काफी बड़ी कंपनी है, जो कि ग्लोबली में टॉप 1 पर आती है। जैसे कि इंडिया में ओला इलेक्ट्रिक टॉप 1 पर है, वैसे इंडिया के बाहर गोगोरो टॉप 1 पर आता है। गोगोरो जो है ग्लोबली 10 साल की वारंटी देता है, तो इंडियन मार्केट में अभी ओला इलेक्ट्रिक 8 साल की दे रहा है, तो गोगोरो इलेक्ट्रिक अगर 10 साल की देगा तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में इसको टक्कर देने के लिए कोई भी ब्रांड नहीं होने वाला है। क्योंकि गोगोरो जो है बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क प्रोवाइड करता है, इसलिए गोगोरो को अपने बैटरी पर पूरा भरोसा है कि यार प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं आने वाला है, आप इस बैटरी को चेंज करके 6 सेकंड में फुल चार्ज वाली बैटरी ले सकते हो। गोगोरो इलेक्ट्रिक जो है इंडियन मार्केट में अभी आ चुका है, जो कि डिलीवरी कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, जो कि 2024 के मिड के बाद इंडियन मार्केट में सभी कस्टमर के लिए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाला है। और पूरी तरह से कम्प्लीटली गाइस फुल्ली क्वालिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ट्रस्टेड ब्रांड है एंड नए जनरेशन के फीचर्स काफी देखने को मिलने वाली है। रेंज की बात करें तो 120 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक रेंज मिलेगी। स्पीड की बात करें तो 90 से लेकर 100 km/h तक आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। एंड रिमूवेबल बैटरी है, तो आप इजीली कहां पर भी इसको कैरी कर सकते हो, कहां पर भी इसको जो है स्वैपिंग करके फुल चार्ज वाली बैटरी ले सकते हो। अगर हम एक्सपेक्टिंग प्राइसिंग की बात करें तो गोगोरो की इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में आने के बाद यह 100% ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के आसपास इसकी प्राइसिंग रहेगी, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइस, हमने काफी बातें की, अभी बात करते हैं नंबर 1 ब्रांड के बारे में, ट्रस्टेड कंपनी जो कि मेड इन इंडिया है, जो कि मेरे हिसाब से आपको प्रेफर करना चाहिए। द मोस्टली अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर 2024 में रहने वाली है होंडा इलेक्ट्रिक। होंडा की बात करें गाइस, तो इंडियन मार्केट में इनके काफी सारे कस्टमर ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी बैटरी जो है वो नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। इसमें जो बैटरी में सेल्स यूज होंगे, सैमसंग एंड पैनासोनिक के सेल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि टॉप
टॉप नॉच क्वालिटी के रहने वाले है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज की बात करें तो होंडा की ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 120 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक आपको रेंज देने वाली है। रिमूवेबल बैटरी होगी एंड कंपनी इंडिया के बाहर ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को सेल कर रही है। अगर हम वारंटी की बात करें तो बैटरी की वारंटी इंडिया के बाहर सेम ये भी जो है गोगुरु जैसी 10 साल की वारंटी इंडिया के बाहर प्रोवाइड करती है। तो डेफिनेटली गाइस अगर इंडियन मार्केट में 8 से 10 साल तक आपको वारंटी होंडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलेगी तो हर कोई जो है होंडा की इलेक्ट्रिक स्कूटर को ले सकता है। डेफिनेटली अगर मेरे को लेना होगा तो मैं इसको जरूर से जरूर लूंगा क्योंकि मेड इन इंडिया है, इंडियन ब्रांड है, आगे जाकर सर्विस भी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है एंड अच्छा ब्रांड होने के कारण ये कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है। अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्सपेक्टिंग लॉन्चिंग की एंड प्राइसिंग की आपको देखने को मिलेगी। ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लास्ट स्टेज में है, आने वाले कुछ ही महीनों में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 130,000 से लेकर 140,000 तक एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा रहेगी बट आपको जो क्वालिटी मिलेगा, जो बैटरी की लाइफ मिलेगी, जो अदर ब्रांड से टॉप नॉच होने वाली है, आने वाले टाइम में यही ब्रांड चलने वाला है दोस्तों क्योंकि टू व्हीलर्स में जो है होंडा का एक ट्रस्टेड ब्रांड है एंड काफी कस्टमर इसके लिए ऑलरेडी रुके भी है एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 10 साल तक तो आपको बैटरी जाने जाने वाली है। सो गाइज ये काफी डिमांडेबल वीडियो थी कि यार सबसे ज्यादा बैटरी वारंटी एंड ज्यादा टाइम तक चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताओ। तो ये थी कुछ आज की वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी ने काफी अच्छा प्यार दिया है हमारे चैनल को जो कि काफी अच्छा ग्रो कर चुका।